हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। अभी तो गुड इवनिंग हो रहा है, गुड मॉर्निंग इसलिए बोल रही क्योंकि वीडियो सुबह ही पोस्ट करूँगी मैं। तो आपको आज दिखा रही हूँ मैं देहरादून की सिटी। पूरी सिटी तो नहीं दिखा पाऊँगी, जहाँ तक मेरा कैमरा पहुँच पा रहा है मैं वहाँ तक आपको दिखा रही हूँ। तो आप बने रहे वीडियो पर, ऐसी बना रहे, और आगे भी मैं मंदिर जाऊँगी, अभी काफ़ी कुछ आपको दिखाना है आगे, तो आप वीडियो पर बने रहे। क्या है तो बता। ताजमहल है। ताजमहल है ना। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में। हाँ कहाँ पे है? आगरा। आगरा में ना। देखो इसने ताजमहल बना दिया, आप ताजमहल देखिए। और ये इसकी गाड़ियाँ हैं, टूटी फूटी गाड़ी इसके पास। ये देखो, ये क्या है? उसका घर है। कौन है ये? परी। हाँ कौन है? उठा जरा परी को। मैंने इसका नाम रखा था परी। अच्छा, इसको मैं फेंक दूंगी। है नहीं। फेंक दे रही मैं फेंक दे रही नहीं। फेंक देती हूँ नहीं। फेंकूंगी मैं इसको। फेंक दो इसको, कोई करो जरूरत नहीं इस परी की। क्या करना है इसका खिलौना? फेंक दो इसको। नहीं मैं खेलूंगा कैसे? कोई बात नहीं, मैं फेंक रही थी। चल तो ठीक है, नहीं फेंक रही, चल इसको फेंक देती हूँ। क्या फेंक देती? कुछ भी नहीं। नहीं फेंक, कुछ नहीं फेंक। तो यही छत में खेलता है, इसे नीचे खेलने को मैं मना करती हूँ। सारा इकट्ठा कर देता है यहाँ पे, नहीं तो नीचे भी सारा फैला देता है, इसलिए छत पे खेलता है। वो आगे देखते बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आगे इधर खेल रहे बच्चे। आगे सब पूरा एरिया बताती हूँ। लोग खेल रहे हैं। और सुनाओ उनको, अब नहीं खेल रहे आप? अब कैसे आ गए इधर? अब नहीं खेल रहे हैं? आप खेल रहे हो? नहीं। अब चलती हूँ मैं इसके पापा के पास, थोड़ी इनसे करती हूँ बात। देखो बढ़िया मौसम है, ठंडा ठंडी हवा आ रही है। हेलो गाइज, आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बन। अब चलती हूँ मैं इनके पास। क्या कर रहे हो? पहले ये बताओ कान के अंदर क्या लगा रखा है? क्या है? क्यों नाक डाल के दिखाओ? अपने आपके? नहीं, ये कान के ऊपर हमेशा ऐसे रखते हैं, जैसे हमारे गांव में परमानंद रखता था। हमेशा पहले के ज़माने में परमानंद या कोई भी और बुजुर्ग लोग बीड़ी रखते थे। अरे बीड़ी नहीं रखते, ये क्या है इसका नाम? टूथपेस्ट। टूथपिन। टूथपिक। ये टूथपिन रखे हैं। टूथपिन नहीं, टूथपिक। टूथपिक जो भी होगा, क्योंकि मुझे कभी यूज, मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं पड़ती कभी इसकी। मेरे दांत अच्छे हैं। पता नहीं क्यों रखते हैं, भगवान ही जाने। इसके पीछे पैसे रखे, मैं सोच रहा हूँ पैसे ले लूँ इसके पीछे। फ़ोन के पीछे? नहीं, ये तो मेरा इमरजेंसी सेवा है, ये से मैं देखती हूँ। इमरजेंसी में फ़ोन के पीछे रखने पड़ते पैसे, कभी पैसे घर छूट जाते हैं तो फ़ोन नहीं छूटता ना घर, इसलिए पैसे भी नहीं छूटते ना बाबू। तो गाइस आज दिखा दिया हमने आपको देहरादून का नज़ारा। और आप हैं, बोलो क्या बोल रहे? बोल रहा क्या, बारिश होने वाली है वहाँ, देखो बारिश हो रही है। कोई नहीं, यहाँ तो रोज़ बारिश आती रहती है, हमें बारिश नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि देहरादून में जब बारिश होती है ठंडा मौसम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे गाय भी है। ये गाय नहीं आती है ना मम्मी? ये गाय जो सामने दिख रही है ना, देखो ये रोज़ आती है बेचारी, तो यहीं पे रहती है। और शाम को जैसे रात पड़ेगी ना, ये चली जाएगी अपने घर। तो गाय हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सपोर्ट करने के लिए, और आपका सपोर्ट ऐसा बनता रहे। और लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। हाँ लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी करना कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। हेलो गाइस, ये जा रहे हैं घर। ए बाबू, हेलो बेटा। मुझे भी दे दो बाबू, पूरा मुंह गंदा कर देता है। लच पच। हेलो गाइज, हम जा रहे हैं मंदिर, शनि भगवान की मंदिर।
आ शनिवार है, बोलो जय शनि देवाय नमः, ओम शनि शनि चराय नमः। आ शनि भगवान का दिन है, श्याम का टाइम है। मैं जा रही हूँ मंदिर में, तो आप बने रहे, मैं शनि भगवान का दर्शन कराऊंगी आपको, उसका भी मनोकामना पूर्ण होगी। बने रहे वीडियो पे। तो गाइज हम पहुंच गए हैं शनि भगवान के मंदिर में। यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लगी रहती है, शनिवार को यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे शनि देव को तेल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं, धूपबत्ती देते हैं, काली उड़द चढ़ाते हैं, काफ़ी कुछ है जो शनि भगवान को चढ़ता है। तो हम जो पहुंच गए, देखो यहाँ पे एक दीदी पूजा कर रही है, हम भी पहुँच गए। शनि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करना, जो भी हमारी वीडियो देख रहे देख रहा होगा। और ये शनि भगवान कहते हैं ना, न्याय के देवता होते हैं, तो इनको प्रसन्न करना हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि इनको प्रसन्न करना चाहिए। और ये प्रसन्न आप सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं, इन्हें तेल से, तेल जो भी इन्हें तेल चढ़ाता है सबसे ज़्यादा प्रसन्न उस पर होते हैं जो इन्हें तेल चढ़ाता है, क्योंकि इन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तेल से होती है। तो इसलिए शनिवार के दिन शनि भगवान को तेल अवश्य चढ़ाइए और अपना कष्टों को दूर करें। तो शनि भगवान को तेल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज शनिवार था, आज हम भी आ गए शनि भगवान के मंदिर में। कभी कभी आ जाती हूँ, पर रोज़ नहीं आ पाती हूँ मैं, लेकिन जिसके पास टाइम है और जिसके पास मंदिर है वो रोज़ भी आ सकता है, क्योंकि शनि भगवान तो एक न्याय का देवता है और उनके उनको मनाना हमारा काम होता है। तो इतने सारे लोग यहाँ पे दिया जला के चले गए हैं, कुछ यहाँ पे भी रुक रखे अभी आ ही रहे लोग, जा रहे आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा बहुत सारा मंदिर है, लेकिन यहाँ पे जो शनि भगवान की मंदिर है, यहाँ पे शनिवार के दिन अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहाँ पे शनिवार के दिन ही लगती है। और बाकी यहाँ पे मंदिरें काफ़ी सारी है, यहाँ पे दुर्गा जी की मंदिर है, खाटू श्याम जी की मंदिर है, और हनुमान जी की मंदिर है, भोले बाबा की मंदिर है, बीर बाबा की मंदिर है, सारे मंदिर है यहाँ पे। देखो दीदी ने अभी तेल चढ़ाया है ना शनि भगवान को, तो शनि भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं कह रही थी कि तेल चढ़ाना होता है। और भैया तो सारी बोतल ही चढ़ा रहा है, मुझे तो लग रहा बहुत भैया शीघ्र ही प्रसन्न कर रहे हैं और शीघ्र ही इनकी मनोकामना पूरी हो गई या फिर हो जाएगी, क्योंकि भगवान को पूरा ही पूरा तेल की बोतल ही जिन्होंने चढ़ा दी हैं। तो शनि भगवान हमेशा इसी से प्रसन्न रहते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि शनि भगवान को हमेशा तेल चढ़ाओ और उन्हें तेल से ही सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मिलती। देखो भक्त आ रहे हैं और तेल चढ़ाते जा रहे हैं, मैंने भी थोड़ा तेल चढ़ा लिया है, दिया जला लिया है। अब यहाँ पे कितना अच्छा सुंदर नज़ारा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि शनिवार के दिन देखो लोग कितना सारा दिया जलाते हैं। तो हम सब हिंदू लोगों को भी ऐसे जलाना चाहिए, शनिवार के दिन शनि भगवान के मंदिर में जाके हम लोगों को भी जलाना चाहिए। वैसे मैं भी खैर रोज़ नहीं आ पाती हूँ, लेकिन कभी कभी आ जाती हूँ, जलाना चाहिए, क्योंकि ये न्याय का देवता है और भगवान को प्रसन्न करना हमारा हिंदू धर्म का काम है और हम लोगों का जो भी भक्त है उनका काम है। तो जो भी शनि भगवान के भक्त हैं ना, वो ज़रूर जय शनि देव लिख के उनकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, एक पीपल के पेड़। ठीक है गाइज, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।